से तुम तो ये बताओ कि कैसा रहा तुम्हारा सफर, तुम्हारे अंदाज में? सर मैं जीरो से स्टार्ट किया था अपने, हाँ, और लाइफ भी मैंने अपने जीरो से स्टार्ट किया है, पर यहाँ पे आके मैं लगता था कि मैं शायद दूसरों को धोखा दे रहा था, चार पाँच साल से यहाँ पे आके लगता है कि हाँ भाई दूसरों के लिए था हीरो था, पर अपने अंदर मुझे डर रहता था यार, सब खुश थे मुझे देखे भाई बहुत अच्छा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर मेरे अंदर जो होती है ना एक डर था यार, ये लोग तो हंस रहे, पर मेरे अंदर वो फील नहीं था कि हमें मैं कर रहा हूँ, तो वो चीज़ मैंने यहाँ आके आप लोगों से सीखी, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि सब लोग कहते हैं भाई तुम तो अच्छा कर रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, अच्छी बात है भाई, हम अच्छा करके अपने लिए कमाते हैं, आप मेहनत करा रहे हो तो हमारे लिए करा रहे हो, हमारा जैसे एक पिता अपने बच्चे को पालता है तो वो इसलिए पालता है कि भाई खाली मेरा नाम करेगा, उसकी कमाई नहीं खाता है, वो केवल अपने नाम के लिए वो उसके उसके लिए पर वही चीज़ मेरे अंदर थी कि मैं खुश नहीं था, पर वो खुशी अब मुझे दिल से मिल रही। दूसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगा, सबने एशिया की बढ़ाई की ठीक है, उसके साथ साथ मैं डॉक्टर साहब की बढ़ाई करना चाहूँगा, सुविधा अच्छी ना मिलती, रात को सो नहीं पाते तो अगले दिन हम पढ़ाई नहीं कर सकते, सही बात, तो वो डॉक्टर साहब की वजह से बुलाना चाहूँगा। मार्क्स निकाल। एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखो अपना नाम कोई खराब नहीं करना चाहता, पर मैंने दुर्गेश सर के अंदर और एशिया टीम के सारे जो सर हैं उनके अंदर एक हिम्मत देखी कि जो फ्रेशर को कोई नहीं पढ़ाना चाहता वो उन्हें लेके चलते हैं, हम अपना नाम करने के लिए अच्छी चीज को लेकर उठा के चला गया, हमने किया है, पर कोई ऐसा नहीं होगा कभी भी कहने वाला कि भाई कचड़े में से उठा के कि इन्हें हम हीरा बना के दिखाएंगे। दूसरा